हिमाचल की इस चुनावी सियासत में इस वक्त जो पारा है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनावों में क्या कुछ रहने वाला है, जनता की क्या राय है, ये हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ जो नागरिक है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे चुनाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। इस बार के चुनावों में इन्हें क्या लगता है, क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है? सर, अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे चुनाव आपने अभी तक देखे हैं, सरकारें बदलती हुई देखी है, इस बार क्या कुछ खास लग रहा है कि क्या खास रहने वाला है? चुनाव तो देखे मैंने 1957 से लेकर, तो उस कई किस्म के चुनाव थे। इस दफ़ा ऐसा है कि मैं घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन अखबारों से ऐसे लगता है कि ये चुनाव नहीं है, ये तो लड़ाई है, एक दूसरे के खिलाफ बोली जा रहे हैं, ये कोई चुनाव हो गया? चुनाव में तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसीज हैं देश की या स्टेट की, उस पर बहस होनी चाहिए कि उसके बारे में बोला जाए। ये तो बस बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आम आदमी वाले भी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, या बीजेपी वाले कभी पंजाब में उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार की, कभी दिल्ली की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो ये मुझे कुछ लगा नहीं कि ये कोई चुनाव है, मतलब मुद्दों पर कहीं पे बात नहीं हो रही, बात नहीं, ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बोली जा रहे हैं। जैसे कल परसों एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक आर्टिकल आया है भारत के लॉ मिनिस्टर का, वो कहता है कि नेहरू ने ये गलतियां किए हैं। अरे लॉ मिनिस्टर किरण रिजू, तू पैदा भी नहीं हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त के हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। आज तो पूरा भारत बना हुआ है, बड़ा बना है, आज तो काम करने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो एम ए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कल कहा, पता नहीं यहाँ चंबे में या उन्ने में कहीं भाषण दे रहे थे, अगर वो सरदार पटेल को अगर प्रधानमंत्री बनाया होता तो भारत की नक्शा ही और होता। ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स के जरूर हमें ये करना वो करना फ्रा करना है, एक दूसरे के क्रिटिसिज्म, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर यहाँ पर बात नहीं हो रही, स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं हो रही। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं वोट के लिए, कि नोटों में कोई रिलीजियस चीजों को भी छाप दिया जाए। अरे कोई बात बनती यार? इतने साल से या दुनिया में जहाँ भी नोट बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, वहाँ वहाँ के देश का फोटो लगता है। जैसे यहाँ हमारे देश में गांधी जी का लगा है, या फिर कुछ एनवायरनमेंट के बारे में कुछ वो लिखा हुआ, लेकिन वो देवी देवताओं का वो फोटो लगाने की तो कोई बनते ही नहीं है। अगर मैं हिमाचल की चुनावों की बात करूं तो क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह की सरकार आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है, जो स्थानीय मुद्दे, उन पर कोई भी बात नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा। हाँ, हिमाचल में ऐसा है कि बीजेपी पर अटैक करिए सारी पार्टियां, इनकम्बेंसी का, कि जयराम ने अपने सराज में और महिंदर सिंह ने अपने धर्मपुर में ही काम किया, बाकी जगह नहीं किया। अब उसका लोगों पर कितना असर पड़ता है ये कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कभी वो अनाउंसमेंट होती थी, अभी पिछले 17 तारीख से पहले तक तो रोज जयराम जी कोई अनाउंसमेंट करते, ये स्कूल देना वो देना, लेकिन रोज अखबारों में आ रहा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें नहीं बन रही, उस पर कोई नहीं चिंतन हो रहा, ऐसे एक दूसरी छींटा कसी हो रही है। अब लोग क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आज हिमाचल का जो वोटर है वो पढ़ा लिखा हो गया, कम से कम 80% लोग पढ़े लिखे हैं, और उसके अलावा बीजेपी ने थोड़ा सा इंसेंटिव दिया कि 6,000 रुपये साल के उन किसानों को मिलेगा जिनकी 6,000 से कम इनकम, 6,000 दिया जिनके 25 बीघे से ज़मीन कम है, तो और जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा बेसिकली। फिर जयराम ने 70 साल से बड़े बड़े को बोला कि भाई बगैर उसके कंडीशन के तुम्हें वो भी मिलेगा,
1500 या 1700 रुपए मिलेगा। अब ये लोगों के दिल में कितने का असर करता है उस पर डिपेंड करता पूरा इलेक्शन का प्रोग्राम। फिर अब बात चली है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये पेंशन बंद कर दी थी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में पूरे देश में इसको लागू किया। आज ये कहते हैं जी नहीं दे दो, बहुत कम मिल रहा, बहुत कम मिल रहा है। अरे कहाँ से मिल रहा, अभी तो पेंशन लोग रिटायर ही नहीं हुए। 2003 के बाद जो लोग लगे हैं वो तो रिटायर हुए ही नहीं है, तो कहाँ से आंकड़े दे रहे हैं 500-600। वरना क्या था, पुराने रूल के मुताबिक 20 साल से जिनकी नौकरी कम है उनको तो पेंशन देते ही नहीं थे। अब ये कहाँ से आंकड़े दे रहे, झूठे। तो ये मेरे समझ से बाहर है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हम देंगे हम देंगे। और फिर एम्प्लॉयज हैं कितने, एक और बात बताऊं पॉलिटिकल की, जो लोग बीजेपी से संबंधित हैं उनका गड़ा भी काट दें, उन्होंने चाहे पेंशन दें ना दें बीजेपी को वोट देना, कम्युनिस्टों ने कम्युनिस्टों को वोट देना, तो ऐसे जी नहीं जी एम्प्लॉय देंगे। अभी मेरे से एक छोकरा बात कर रहा था, वो बीएसएफ से रिटायर हो गया है या आईटीबी से, कहते जी 1.5 लाख एम्प्लॉय हैं जिनको पुरानी पेंशन के लिए डर रहे हैं, तो एक घर से 5 वोटर होंगे तो हो गए वो 7, कितने को हो गए 15,000 7.5 लाख हो गए, तो वो इससे सरकार बढ़ते जाएगी। अरे मैंने कहा जो 6,000 रुपए दे रहे हैं और जो 1700 रुपए या 1500 दे रहे हैं उनके परिवार वाले नहीं देंगे। मैं कह ये कहाँ के आंकड़े ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जा रही है कि ये जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई थी उनको लेकर भी शायद यहाँ पर जो वोटर है वो बदल सकता है। और चुनावों में क्या कुछ मुद्दे अहम रहे, जैसे महंगाई हुई है उस पर क्या कोई बोल रहा है, तो बोलने दो। क्या मुद्दे इस बार अहम रह सकते हैं चुनावों में? चुनावों में क्या मुद्दे ले सकते हैं, ऐसे यहाँ एक दूसरी पार्टियाँ आती रहती जाती रहेगी चलती रहेगी, जैसे जैसे जिस हिसाब से कोई काम करता रहे उनको पार्टियां वोट देती रहेगी अपने अपने हिसाब से। वोट का तो आजकल अपने परिवार का पता नहीं है कोई किस साइड देगा, लेकिन फिर भी चले हुए है तो दोनों पार्टियों के ठीक काफी हो चला हुआ है, इसमें चलता रहेगा। क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है जो पार्टियां हैं वो आके केंद्र की उपलब्धियां गिना रही है, आने वाली स्कीम्स के बारे में बता रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो क्या वोटर इस बार क्या सोच रहे हैं, वोटर इस बार की किस तरह से इस बार की चुनावों में वोटर ऐसा है ना जी, इस बार ऐसा सोच रहा है कुछ कांग्रेस में चले गए हैं कुछ उसमें चलेंगे, तो पार्टी की उसमें चला हुआ है सारा ही, तो अपने अपनी मर्जी से कोई इधर भी घूम रहे हैं उधर भी घूम रहे हैं, जिसकी रैली होगी उसके साथ चल लेंगे, दूसरी बार दूसरे बार उसके साथ भी चल दिएंगे, सब जगह चल जाएगा, तीसरी बार नरोत्तम शर्मा जी आएंगे तो नरोत्तम ठाकुर जाएंगे उनके साथ भी चल पड़ेंगे, सभी के साथ चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सारे, अपना मजा ले रहे हैं। अब वोटों की बारी आएगी तो पता नहीं किस किस को मिलेगा क्या क्या है। चुनावी माहौल सरगर्म हो चुका है, लेकिन इस बार क्या क्या सोच कर वोट दिया जाएगा ये जान लेते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनावों में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले, क्योंकि दोनों ही जो सरकारें हैं वो दावा कर रही है कि विकास हुआ है, विकास कार्य किए जाएंगे। हाँ जी किए जाएंगे, विकास कार्य आएगी भाजपा तो हो गया विकास कार्य, ऐसे मेन मुद्दे तो ओपीएस का ही है अभी तो। ओपीएस के मुद्दे की अगर बात करें तो दोनों ही सरकारें कह रही है कि हम आएंगे तो हम ओपीएस लाएंगे, लेकिन क्या कितना बड़ा मुद्दा वोटर को लगता है कि ये रहने वाला इस बार चुनावों में? ये मुद्दा बहुत काफी बढ़ेगा, इससे दोनों पार्टियां ये ओपीएस के मुद्दे को लेके ही चुनाव भी लड़ रही है, तो ये मुद्दा काफी चर्चा में रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। हवाओं का रुख क्या लग रहा है कि किसकी ओर रहने वाली है इस बार हिमाचल चुनावों में, किसकी सरकार बन सकती है? अभी तो कुछ पता नहीं है जी, लोगों का तो कुछ पता नहीं है कौन किसकी तरफ करवट ले ले, अभी तो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा जब रिजल्ट निकलेगा। अभी ये सोचना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर इस बार सत्ता में आने वाली है। आपको क्या लगता है, चुनावी माहौल तेज हो चुका है, किस तरह का इस बार
यहाँ पर जो है मुद्दे किस तरह के हैं रहने वाले? मैं मुद्दे तो बहुत है पर अभी तो शायद रिवाज बदल लेने का वो रहे भाजपा, मुझे मुश्किल ही लग रहा है। चारों सीटों पे बागी खड़े हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ तो रहेगी। फिर बाकी जितना मेहनत करेंगे तो शायद डिफेंड करेगा उनके ऊपर क्या। बाकी वोटर तो बिल्कुल डिस्टर्ब है कि कहाँ पर क्या करना है इस तरह से, और बाकी तो जी थैंक यू। वोटर्स का ये कहना बिल्कुल है कि वोटर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है कि कौन सी पार्टी से कौन से उम्मीदवार को चुना जाए, क्योंकि बागी बहुत सारे जो है वो यहाँ पर सामने चेहरे हैं। अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को किसे यहाँ पर चुना जाता है।